कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जी हाँ, ये कहावत लागू होती है यूपी सरकार पर, जिसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे मजबूर और बेबस बाप से जो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। जी हाँ, ये मामला है मेनपुरी ग्राम कतरा के रहने वाले शिववीर का, जिसके 3 बच्चे हैं और ये तीनों ही एक ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं जिसमें हर महीने खून बदलवाने की जरूरत पड़ती है। इनका इलाज कराते कराते इनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, साथ ही सारी खेती की जमीन भी गिरवी पड़ी है। अपनी सहायता के लिए इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 4 बार लेटर लिखे, फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित व्यक्ति ने जब हताश होकर आखिरी बार अपने खून से लेटर लिखकर मंत्री जी के पास भेजा, तो मंत्री के सचिव ने इनकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये खून का लेटर नहीं चलेगा। आखिर इस मजबूर बाप की गलती क्या है? एक तो कुदरत ने इसको परेशान कर रखा है, ऊपर से यूपी सरकार का ऐसा रुख। अगर ऐसे में इलाज के चलते बच्चों को कुछ हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्या यही है गरीबों की सरकार? सर, समस्या ये है कि 1.5 साल से ये बच्चों पर खून चढ़ रहा है मंथली जी, इनसे खून नहीं बन रहा है सर। बता, और क्या नाम, कहाँ पे भर्ती किया था हॉस्पिटल? सर, हॉस्पिटल में क्या, जहाँ जिसने बताया वहाँ पे हम पहले तो बर्बाद हो चुके हैं कि जहाँ जिसने आगरा इटावा जहाँ जिसने बताया वहाँ पे हम लेके गए इन बच्चों को, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिला। लास्ट में हम सैफ ही लेके गए तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जब तक बच्चे हैं तो इन पे खून की कमी आती रहेगी और इनका इलाज सैफ ही में नहीं है। ऑल इंडिया बताया, पहले तो बताया कि इस एक बच्चे का 25 लाख रुपये बताया हमको इलाज में लगेगा। फिर हम सरकार की मदद लेने के लिए घूमते रहे सर, हमें कहीं मदद नहीं 2 पैसे की मिली, और यहाँ तक है कि सर हम 7 बीघा जमीन तक गिरवी रख चुके हैं। तो आप मुख्यमंत्री के पास कोई रात के लिए गए थे आप? जी, क्या लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी सर, जो वहाँ पर सचिव बाहर बैठे होते हैं वो क्या मंदिर ही उसमें केबिन में जी, तो वहाँ पर हम 4-5 बार गए, लेकिन हमको यहाँ से कोई जैसे मिल जाए मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात कुछ नहीं हो पाई हमारी। आपने कोई लेटर वगैरह दिया था? लेटर दिए हैं, लेकिन वहाँ से लेटर पकड़ाते हैं तो कि वो एस्टीमेंट बनवा के इसका लाओ, ये करो वो करो, तो सर वहाँ एस्टीमेंट बनाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ तो हम जैसे कि हमकी कुछ आर्थिक मदद यहाँ से मिल जाए जो बच्चों के लिए कुछ हम कर सकें। कोई लेटर लाए वो दिखाइए। नहीं, लेटर तो एक लाए सर, लेकिन हमने अपना हाथ काट के खूनी चिट्ठी भी लिखी है जी, तो वहाँ पर क्या कहा कि ये खूनी चिट्ठी यहाँ पर ली नहीं जाती है, तो ये चिट्ठी वापस कर दी जी। 28 तारीख को मैं गए थे, 28 तारीख को वहाँ से बातचीत हुई कि एस्टीमेंट बनाओ। अब 3 बच्चे जिसके मौत के घाट उतर रहे हों सर, जो उन्होंने ऑल इंडिया हॉस्पिटल के रेफर किया है, वो क्या नाम, कितना खर्चा बताया एक बच्चे का? अभी पहले तो सर 18 लाख 20 लाख 25 लाख डॉक्टर बोलते रहे, और यहाँ पर केवल साधना हो रही है जी। इलाज एम्स में ही है इसका जी।